जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो चैनल से आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के कड़वे सच का, जीवन के एक रहस्यमय बात का, और एक ऐसी घटना का जिसको जानने के बाद आप जीवन में आपकी बहुत सारी जो परेशानी है उसका हल आपको मिल सकता है। एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया और यज्ञ के लिए बहुत सारे ब्राह्मणों की आवश्यकताएं थी। तो वो जो दौर था तब ब्राह्मण बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो यज्ञ तप और अपनी ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो जंगलों में हुआ करते थे, तब ब्राह्मण इतने नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब राजा को तो यज्ञ करवाने के लिए 1008 ब्राह्मणों की जरूरत थी, अब उसे ब्राह्मणों की आवश्यकता थी, और कर्मकांडी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। अब उसी में एक संत थे जो बाल्यावस्था में थे, जिनकी उम्र 14-15 साल थी, उन्हें भी उस यज्ञ में बुलाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। अब यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ में सभी लोग महामृत्युंजय का और मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और वो बालक अनाराम जो है, अ आ ई इस इसका दो इसका उच्चारण कर रहा है। तो सभी ब्राह्मणों ने देखा कि ये हम सभी मंत्रों का जाप कर रहे हैं और ये बच्चा अनाराम पड़ रहा है, ये किस तरह से हो रहा है। तो थोड़ा माहौल उस बच्चे पर सभी का इंगित हो गया, सभी का बच्चे पर हाईलाइट हो गया वो, कि ये बच्चा अनाराम क्यों पड़ रहा है। तभी वहां बैठे हुए संतों ने देखा कि वहां क्या हलचल हो रही है, उन्हें बुलाया कि क्या हुआ। तो उन्होंने माजरा बताया कि हम सभी मंत्रों का जाप कर रहे हैं और ये बच्चा अनाराम पड़ रहा है। तो वो संत ने कहा कि आप सभी शाखाओं पर दौड़ रहे हैं, इस बच्चे ने जड़ पकड़ के रखी है। आप एक बार फिर से समझे कि आप सभी शाखाओं पर दौड़ रहे हैं, सभी मंत्र शब्दों से ही तो बन के बने, अनाराम से ही तो मिलकर बने हैं, वो बच्चे ने जड़ पकड़ के रखी है। वही संदर्भ में आपके जीवन में कहना चाहता हूं कि आप ईश्वर को पकड़ के रखें, शाखाओं पे न दौड़े, सिर्फ ईश्वर को पकड़ के रखें, शाखाओं पे न दौड़े। ये बहुत ही बड़ी बात है, इस कहानी के उद्देश्य से जो सामने आई है उसे आपको समझने की आवश्यकता है, और इस बात को अमल में लाने के लिए कि आपको शाखाओं पे नहीं, सिर्फ अपनी जड़ों को पकड़ करना, वो जड़ है ईश्वर का नाम, ईश्वर का जप, वही बहुत बड़ी है, यही जीवन का कड़वा सच है। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।